हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हम क्लास 12th का इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और उस सीक्वेंस में जो है ये हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट और उस सीक्वेंस में जो है ये हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट चल रही है। इस यूनिट में हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारे रिलेशनल डाटा मॉडल का था, फिर उसके बाद एसक्यूएल की बेसिक क्वेरीज, और उसके बाद DDL एंड DML कमांड्स। अब जो है वो हमारा ग्रुपिंग एंड जॉइंट्स वाला चैप्टर चल रहा है, जो कि हमारा 14th चैप्टर है कंप्यूटर साइंस की बुक के अकॉर्डिंग। और ये हमारी इस चैप्टर की जो है सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो से हमने ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर जो है पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है टोटली आपकी प्रीवियस वीडियो पे ही बेस्ड है, क्योंकि उसमें हमने ये ग्रुप बाय का जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आगे की फर्दर क्वेरीज जो हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ऑलरेडी अगर आपने ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ा हुआ है बुक से या फिर क्लास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्वेरीज जो हैं वो इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक एक बार भी ये टॉपिक नहीं स्टडी किया है तो पहले आप इसकी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो देख लीजिए, और उसके बाद ये जो है वो इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे टेबल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ज्वाइन डिवाइड करता है, हम कैसे किसी कॉलम के बेसिस पे टेबल को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम हमारी फर्दर क्वेरीज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी विच इज़ आल्सो ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। अब जो यहाँ पे क्वेरी गिवन है वो डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे जो है वो टेबल को ग्रुप कर रही है। क्वेरी हमारी क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा काउंट स्टार, यानी कि ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, कोमा सम सैलरी, और उस ग्रुप की टोटल सैलरी जो है वो कितनी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमें डिस्प्ले करवानी है फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार EMPL टेबल भी दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए, ये हमारी EMPL टेबल है जिस पे हम हमारी क्वेरीज रन कर रहे हैं, जो ये ग्रुप बाय क्लॉज में यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट नंबर वाला कॉलम है, इसमें हमारे पास 3 इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, 10, 20 एंड 30। सभी इम्प्लॉयज़ को इन्हीं डिपार्टमेंट में से कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो एलोकेट किया गया है। तो जब हम डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारी टेबल जो है वो 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो एक ग्रुप में, डिपार्टमेंट 20 के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो एक ग्रुप में, और डिपार्टमेंट 30 के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो एक ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए, डिपार्टमेंट 20 जो है वो कितने ग्रुप्स कितने रिकॉर्ड्स में है, 1, ये सेकेंड आपका, उसके बाद ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ और फिफ्थ। डिपार्टमेंट नंबर 20 में, यानी कि जो 20th डिपार्टमेंट का ग्रुप है उसमें आपके पास 5 रिकॉर्ड्स हैं। डिपार्टमेंट नंबर 10 का देखें तो ये 1 एंड दिस इज 2, 3। डिपार्टमेंट नंबर 10 वाला जो ग्रुप होगा उसमें आपके पास 3 रिकॉर्ड हैं, और जो 30 वाला है उसमें कितने रिकॉर्ड्स बचे, 2, 4, 5, 6, उसमें आपके पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो आपका 10 वाले में 3, 20 वाले में 5 और 30 वाले में 6 रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके तीनों ग्रुप से अलग अलग डिवाइड हो गए। अब उसके बाद और हमारा क्वेरी में क्या है, डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, और हर रिकॉर्ड में जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड सॉरी हर ग्रुप में जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं हर डिपार्टमेंट नंबर में, उन एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी जो है कितनी है वो डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर ये देखिए इसका आउटपुट, क्योंकि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर था तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक रो डिस्प्ले होगी। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए हमारे पास ये वाली रो डिस्प्ले हुई, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर में डिस्प्ले हुआ 10 काउंट, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 रिकॉर्ड्स थे, तो काउंट स्टार ने 3 रिटर्न किया, और उसके तीनों एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो उसका सम करके यहाँ पर शो हो गई। डिपार्टमेंट नंबर 20 में आपके पास 5 रिकॉर्ड्स थे, और उन 5ों एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम जो है वो ये आ रहा है आपका। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 30 में 6 रिकॉर्ड्स हैं, और उन
सभी 6 एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम 9400 आपका होगा। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस एम्प्लॉय टेबल से जो है ये सैलरी वाले कॉलम से सैलरी का सम जो है वो काउंट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 10 में हमारी 3 रोज ही थी तो उसका हम इजीली कर सकते हैं। देखिए 2450, 5000 एंड 1300, तो यहाँ पे इन तीनों का आप सम करके चेक कर लीजिए। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 के 5 एम्प्लॉयज़ का और 30 के 6 एम्प्लॉयज़ का, तो आपको सम सैलरी में जो है वो यही वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। एज यू कैन मेक आउट डैट द अबव क्वेरी इज डिस्प्लेइंग काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सम ऑफ सैलरीज इन ईच ग्रुप एंड द ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। तो ये आपको यही बता रहा है कि ये क्वेरी क्या कर रही है, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे टेबल ग्रुप्स में डिवाइड हुई और हर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उन रिकॉर्ड्स की सैलरी का सम कितना है, ये जो है आपको आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। दस फ्रॉम द अबव आउटपुट यू कैन मेक आउट डैट इन डिपार्टमेंट नंबर 10 देयर आर 3 एम्प्लॉयज एंड टोटल ऑफ ऑल सैलरीज इज 8750 की जो डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसमें आपके पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं और उन तीनों एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम जो है वो 8750 है। सिमिलरली इन डिपार्टमेंट नंबर 30 देर आर 5 एम्प्लॉयज़ एंड द टोटल सैलरी इज 10885। सिमिलरली इन डिपार्टमेंट नंबर 30 देर आर 6 एम्प्लॉयज़ एंड सम ऑफ देयर सैलरीज इज 9400। तो ये तो था ग्रुपिंग पे बेस्ड। अब अगर आपको नेस्टेड ग्रुपिंग करनी है, नेस्टेड ग्रुपिंग मतलब एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए जो आपका डिपार्टमेंट नंबर 10 था उसमें आपके पास 3 एम्प्लॉय हैं, 20 में 5, 30 में 6, बट जो 10 डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ क्लर्क होंगे, कुछ सेल्समैन होंगे, कुछ मैनेजर होंगे। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 में भी कुछ क्लर्क होंगे, कुछ सेल्समैन होंगे, कुछ मैनेजर होंगे, कोई एनालिस्ट होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 30 में। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले हमारी टेबल जो है वो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, उसके बाद जो एक डिपार्टमेंट का ग्रुप है उस ग्रुप के एम्प्लॉयज़ का भी आप फर्दर डिवीज़न कर दो उनके जॉब के बेसिस पे, कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो क्लर्क है उनका अलग से ग्रुप बन गया, जो सेल्समैन है उनका अलग से ग्रुप बन गया, जो एनालिस्ट है उनका अलग से, जो मैनेजर है उनका अलग से। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 में भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आप अलग अलग जो है डिवाइड कर दो, कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में जो क्लर्क है उनका ग्रुप अलग से, सेल्समैन का अलग से, और सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 30 में। तो जब एक ग्रुप के अंदर भी आप फर्दर ग्रुपिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड ग्रुपिंग। विद ग्रुप बाय क्लॉज यू कैन क्रिएट ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स। तो ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से आप एक ग्रुप के अंदर भी फर्दर ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड नेस्टेड ग्रुपिंग, और इस टाइप की जो ग्रुपिंग होती है उसे हम कहते हैं नेस्टेड ग्रुपिंग। दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग इन ग्रुप बाय एक्सप्रेशन वेयर द फर्स्ट विल डिटरमाइन द हाइएस्ट ग्रुप लेवल, द सेकेंड विल डिटरमाइन द सेकेंड ग्रुप लेवल एंड सो ऑन, द लास्ट विल डिटरमाइन द लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग। और ये जो नेस्टेड ग्रुपिंग है ये किससे अचीव की जाती है, ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर जो है वो मल्टीपल कॉलम नेम्स प्रोवाइड करके। ग्रुप बाय क्लॉज के साथ आपने लास्ट क्लास में देखा था आप कॉलम नेम प्रोवाइड करते हैं, बट हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे हमने सब में एक सिंगल कॉलम नेम जो है वो प्रोवाइड किया था। लेकिन अगर आपको नेस्टेड ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर हम मल्टीपल कॉलम नेम्स प्रोवाइड करेंगे और उन कॉलम नेम्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जो कॉलम नेम हम सबसे पहले लिखेंगे पहले उस कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो कॉलम नेम हमने लिखा है फिर उसके बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। तो जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए पहले मैं डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करना चाहती हूँ और फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग करना चाहती हूँ, तो उस केस में हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कॉलम नेम्स कैसे लिखेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब, कि पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हो और फिर हर डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है वो फर्दर जॉब्स में
के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। लेकिन मान लीजिए मैं क्वेरी को उल्टा कर देती हूँ, अगर मैं लिख देती हूँ ग्रुप बाय जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नंबर, तो क्या मेरी ग्रुपिंग उसी तरीके से होगी जैसे पहले हुई थी? बिल्कुल नहीं। तो आपका पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस बार पहले जो डिवीजन होगी वो जॉब के बेसिस पे होगी। अगर आपने लिखा ग्रुप बाय जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नंबर, तो पहले क्योंकि आपने जॉब कॉलम प्रोवाइड किया है तो पहले जॉब के बेसिस पे डिवीजन होगी। अब आपकी जो टेबल है ये EMPL टेबल है, यहाँ पे आपके पास 5 डिफरेंट जॉब हैं, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट और प्रेसिडेंट। तो पहले आपकी टेबल टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड होगी। क्लर्क वाले सारे रिकॉर्ड्स एक साथ हो जाएंगे, सेल्समैन वाले, मैनेजर वाले, एनालिस्ट वाले और प्रेसिडेंट वाले। फिर क्योंकि सेकंड नंबर पे आपने डिपार्टमेंट नंबर लिखा है, तो क्या होगा, क्लर्क वाले जो ग्रुप है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे, कि जो क्लर्क वाले जो क्लर्क एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कौन कौन से एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, कौन से डिपार्टमेंट नंबर 20 में, कौन से डिपार्टमेंट नंबर 30 में। सिमिलरली जो सेल्समैन एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कौन से एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, कौन से 20 में, कौन से 30 में। सिमिलरली मैनेजर वाला जो ग्रुप है उसमें से कौन कौन सा मैनेजर डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, कौन सा 20 में, कौन सा 30 में। तो वहाँ पे इस तरीके से ग्रुपिंग होगी। तो जौन सा भी ग्रुप नेम हम पहले प्रोवाइड करेंगे, सॉरी कॉलम नेम हम पहले लिखेंगे, वो हमारा हाईएस्ट लेवल होता है ग्रुपिंग का। सबसे पहले ग्रुपिंग उस कॉलम के बेसिस पे होगी, फिर जो हमने नेक्स्ट कॉलम नेम लिखा है उसके लिए फर्दर हर ग्रुप में उस कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। अगर हमने उसके बाद कोई और कॉलम नेम भी लिखा है तो फिर फर्दर भी जो है आपकी ग्रुपिंग इस तरीके से चलती जाएगी। तो सबसे पहले जो लिखेंगे वो हाईएस्ट लेवल होगा और सबसे लास्ट में जिस कॉलम का नाम लिखेंगे वो लोवेस्ट लेवल होगा आपकी ग्रुपिंग का। In order to fully understand this concept, consider table 12.1 EMPL chapter 12. तो ये जो मैंने आपको EMPL table दिखाई ये आपके chapter 12 की ही table है। ये मैंने पहले से आपके लिए यहाँ store कर ली थी ताकि आपको कोई confusion जो है वो ना रहे, क्योंकि यहाँ इस chapter में जो है आपको table show नहीं की गई है, सिर्फ queries और उनका output show किया गया है। तो उसे समझने के लिए आपको table जो है वो देखना ज़रूरी है। तो चलिए फर्दर देखते हैं। See, there are multiple records having same value for field department number. We can group records on the basis of field department number. तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अब ये जो EMPL टेबल है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने यहाँ पे नेस्टेड ग्रुपिंग जो है वो पढ़ी, लेकिन अब जो ये एग्जाम्पल आपके आ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इन्होंने नेस्टेड ग्रुपिंग के एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए। पहले इन्होंने सिंपल ग्रुपिंग के एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो नेस्टेड ग्रुपिंग पे आएंगे। तो सबसे पहला जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी ये EMPL टेबल है इसमें डिपार्टमेंट नंबर में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम अगर डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ग्रुप, You need to issue a query statement as given below. अब अगर आप चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपको वो काउंट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो अब यहाँ पे क्योंकि सेलेक्ट में आपने सिर्फ क्या लिखा है, काउंट एम्प्लॉय नंबर, तो इस केस में आपका क्या होगा कि सिर्फ एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा और वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की काउंटिंग होगी। पहले आपकी टेबल डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, यही जो सेम क्वेरी आपने अभी पीछे रन की थी। ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे जब डिवाइड हो रही है तो तीन ग्रुप्स में बन रही है, एक ग्रुप में 3 रिकॉर्ड्स हैं, एक में 5 और एक में 6। बट यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आपका सिर्फ एक सिंगल कॉलम है जिसमें आपका 3, 5, 6 रिप्रेजेंट हो रहा है। बट अब यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेलेक्ट क्वेरी के अंदर आपको डिपार्टमेंट नंबर भी जो है वो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस बाई दिस क्वेरी इज, तो ये जो आपका यहाँ पे रिजल्ट है ये इस क्वेरी का आउटपुट है। बट कैन यू मेक आउट दीज आर एम्प्लॉय काउंट्स फॉर विच डिपार्टमेंट, कि अब आउटपुट को देख के ऑब्वियसली आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो काउंटिंग है ये किस डिपार्टमेंट के लिए है। टू गेट दिस इंफॉर्मेशन
यू मे मॉडिफाई द सेलेक्ट लिस्ट। अब हम अगर चाहते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो सही तरीके से आए, तो ऑब्वियसली हमें किसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, किसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को। हमें सेलेक्ट क्वेरी के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, ताकि हमें ये समझ आ सके कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमने हमारी सेलेक्ट क्वेरी को मॉडिफाई किया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ काउंट में अगर एम्प्लॉय नंबर की जगह आप स्टार भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काउंट से जो है आपकी नंबर ऑफ रोज ही काउंट होती हैं। तो यहाँ पे अब आपका डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले होगा और हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं ये भी जो है हमारा साथ साथ डिस्प्ले होगा। आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं। बट अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। अगर आपको प्रैक्टिकल में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिए, या थ्योरी में अगर आप कुछ और वे आउट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वो भी मुझे बताते चले, क्योंकि आपका फीडबैक ही जो है वो मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी। सी नाउ इट इज मोर क्लियर। तो ऑब्वियसली इस बार का जो आउटपुट है वो ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। बट वन थिंग डेट यू शुड कीप इन माइंड इज डेट वाइल ग्रुपिंग you should include only those values in the select list that either have the same value for a group or contain a group function that is group expression। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं तो हमें सेलेक्ट में, यानी कि जो जो कॉलम्स हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, हमें उन सेलेक्ट में सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना चाहिए जो कॉलम्स या तो उनकी एक ग्रुप के लिए जो है वो सेम वैल्यू है, और या फिर उनमें जो है वो ग्रुप फंक्शन का यूज़ हो रहा हो। अब यहाँ पे देखिए, हमने सेलेक्ट में डिपार्टमेंट नंबर लिया और काउंट एम्प्लॉय नंबर लिया। डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है उसकी हर ग्रुप में सेम वैल्यू है, क्योंकि हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर ही किया था। तो एक जो ग्रुप है उसमें सारे रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट नंबर सेम है। तो क्योंकि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हमने किया है, तो डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे हमारी टेबल ग्रुप्स में डिवाइड होगी। और अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा कि हर ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड हमें रिटर्न में मिलेगा। तो वो जो एक रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है, एक ही रो हमें रिटर्न हो रही है, तो उस रो में हमें डिपार्टमेंट नंबर क्या मिलेगा, जो उस ग्रुप का डिपार्टमेंट नंबर है। ऑब्वियसली ग्रुप में सबका डिपार्टमेंट नंबर सेम है तो हमें वो डिपार्टमेंट नंबर मिल गया। काउंट एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर्स की काउंटिंग करनी है, तो उस ग्रुप के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके जो है हमने काउंट कर लिया, तो यहाँ से भी हमें सिंगल वैल्यू मिली, तो इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आया। बट जस्ट सपोज अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर ले लेते सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा एम्प्लॉय नंबर कोमा काउंट एम्प्लॉय नंबर, तो उस केस में आपका क्या होता, डिपार्टमेंट नंबर जो है वो पूरे ग्रुप के लिए सेम है, 10 आपका डिस्प्ले हो गया, लेकिन आपका एम्प्लॉय नंबर जो है, आपके पास 10 डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, उन तीनों में से आप किसका एम्प्लॉय नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। काउंट एम्प्लॉय नंबर से तो 3 आ गया एक सिंगल वैल्यू, लेकिन जो एम्प्लॉय नंबर है उसकी सिंगल वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके लिए 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो वहाँ पर आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑल्दो यहाँ आपको एरर नहीं मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि एम्बिगस वैल्यू जो है वो आ जाती है, जिससे आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लाइक इन द अबव क्वेरी द फर्स्ट एक्सप्रेशन डिपार्टमेंट नंबर फील्ड हैज 1 और वी कैन से सेम वैल्यू फॉर अ ग्रुप, जो डिपार्टमेंट नंबर है उसकी ग्रुप के सभी रिकॉर्ड्स के लिए सेम वैल्यू है। एंड द अदर एक्सप्रेशन काउंट एम्प्लॉय नंबर कंटेन्स अ ग्रुप फंक्शन, और जो दूसरा हमने लिया है वो हमारा एक ग्रुप फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ग्रुप फंक्शन भी जो है वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है आउटपुट परफेक्ट डिस्प्ले हुआ।
MySQL as such would not create any error even if you include a non-group expression in the select list. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर आप select list के अंदर कोई non-group expression भी दे देंगे, जैसे कि मैंने आपको employee number का example दिया, तो भी MySQL जो है वो आपको error generate नहीं करके देगा. A non-group field is the field that has different value in the rows belonging to the group. Non-group field से मतलब क्या है इनका? Non-group field या non-group columns कौन से होते हैं जिनकी एक group के अंदर अलग अलग value है. जब हमारी table groups में divide हो गई, जैसा कि हमने previous example का ही अगर हम ले कि department number के basis पे table जो है वो तीन group में divide हो गई. अब उन तीनों group में तो जो column ग्रुप के अंदर सेम वैल्यू नहीं रखते, अब जैसे एम्प्लॉय नंबर है, अब एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू ऑब्वियसली सभी एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग है, तो चाहे वो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर ही क्यों ना है, लेकिन उनका एम्प्लॉय नंबर अलग अलग है, उनका एम्प्लॉय नेम अलग अलग है, उनकी मैनेजर आईडी अलग अलग है, उनकी हायरिंग डेट अलग अलग है, तो एक ग्रुप के अंदर होते हुए भी उन कॉलम्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए हम उन्हें नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस या नॉन ग्रुप फील्ड्स कहते हैं. In this case, it will return the value from the first record of the group for that non-group field. और जब हम कोई non-group field जो है select list में provide करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि database जो है वो error provide नहीं करता, लेकिन problem क्या होती है कि वो क्या करेगा कि उस group में जो first record है उसकी value आपको display करवा देगा. तो जैसे अगर आपने यहाँ पे select department number कोमा employee number कोमा count employee number लिया होता, तो department number के साथ जो आपका employee number display होता वो क्या होता, उस ग्रुप में की पहली एंट्री. अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 एम्प्लॉयज हैं, तो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 की पहली एंट्री कौन सी है, ये वाली. तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आपका क्या है, 8882. तो एम्प्लॉय नंबर क्या डिस्प्ले हो जाता, 8882, जो कि एम्बिग्यूस होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि तीनों एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय कोड सेम है. सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए एम्प्लॉय नंबर क्या डिस्प्ले हो जाता, 8369, और 30 के लिए 8499, जो कि टोटली रॉन्ग होता और जिससे कि आपको मिसकंसेप्शन हो सकती है, जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो उस आउटपुट को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है. अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा काउंट एम्प्लॉय नंबर कोमा मैनेजर फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर. एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमने डिस्प्ले क्या क्या करवाया, डिपार्टमेंट नंबर, ऑब्वियसली एक ग्रुप के लिए सभी रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट नंबर सेम है वो आ गया, काउंट एम्प्लॉय नंबर, उसके जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी काउंटिंग आ गई. अब मैनेजर की बारी, तो मैनेजर में आपका क्या डिस्प्ले होगा, अब डिपार्टमेंट नंबर 10 के जो एम्प्लॉय हैं उन सबके मैनेजर अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज के भी मैनेजर अलग अलग हैं और 30 के भी, तो ये तो एक नॉन ग्रुप फील्ड है. लेकिन जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको क्वेरी का सॉरी आपको एरर नहीं मिलेगा, आपको क्वेरी का आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट इस तरीके से होगा. तो यहाँ पर इस आउटपुट को देख के क्या लग रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के जो तीनों एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोई मैनेजर नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर 20 के जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं उन पांचों एम्प्लॉयज़ का मैनेजर कौन है, 8902, और जो डिपार्टमेंट नंबर 30 के 6 एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजर कौन है, 8698, जो कि टोटली रॉन्ग है, जो कि एक मिसकंसेप्शन है. क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटपुट में मैनेजर आईडीज आ रही हैं, ये कैसे आ रही हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसकी जो मैनेजर आईडी है, 20 के फर्स्ट रिकॉर्ड की और डिपार्टमेंट नंबर 30 के फर्स्ट रिकॉर्ड की. आप चाहें तो आप इसे मैच कर सकते हैं. हम यहाँ पे देखते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 की जो फर्स्ट एंट्री है ये वाली, इसमें देखिए मैनेजर आईडी जो है वो क्या है, 8839. तो यहाँ पे हम देखते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 की 8902 और डिपार्टमेंट नंबर 30 की जो है 8698. तो ये देखिए डिपार्टमेंट 30 की 8698, डिपार्टमेंट 20 की 8902 और डिपार्टमेंट नंबर 10 की जो है वो नल.
आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 10 की जो फर्स्ट एंट्री है वहाँ पे मैनेजर आईडी 8839 है, ये हमारी सेकंड एंट्री जो है उसमें आपका नल है, तो इससे ये एक मिसप्रिंट है सिर्फ, जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड होता है उसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आप ये देखिए लिखा भी हुआ है फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ग्रुप विद डिपार्टमेंट नंबर 10 हैज़ वैल्यू नल इन मैनेजर, तो वहाँ पे नल नहीं है, वो मिसप्रिंट है आपका। और डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए 8902 और 30 के लिए 8698 ये आपने वेरीफाई कर ही लिया है। तो ये जो है हमारे इस ग्रुप के फर्स्ट रिकॉर्ड का मैनेजर है, ये हमारे इस ग्रुप के ग्रुप जो डिपार्टमेंट नंबर 20 का ग्रुप है उसके फर्स्ट रिकॉर्ड का मैनेजर है और डिपार्टमेंट नंबर 30 के फर्स्ट रिकॉर्ड का मैनेजर है। तो यहाँ पे ये आउटपुट जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है, इस वजह से जो है हम सेलेक्ट लिस्ट के अंदर कभी भी जो है नॉन ग्रुप फील्ड्स को डिस्प्ले नहीं करवाते हैं। टू क्रिएट अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप डेट इज नेस्टेड ग्रुप यू नीड टू स्पेसिफाई मल्टीपल फील्ड्स इन द ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। अब ये जो है ये आपका नेस्टेड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल आ गया कि जब आपको एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम नेस्टेड ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं और वो हम ग्रुप बाय फील्ड्स के अंदर कोमा सेपरेटेड मल्टीपल कॉलम नेम्स प्रोवाइड करके कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ EMPL टेबल यू कैन मेक आउट that there exist a group of jobs within the department group as there are same values for job field in one department group's record। तो जो मैंने example दिया था यहाँ पे इन्होंने वही example आपको बताया है कि अगर आप notice करेंगे कि जो आपके department वाले groups हैं उन groups के अंदर भी जो है आपकी मल्टीपल जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, तो आप डिपार्टमेंट नंबर के अंदर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपके डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज़ हैं, क्लर्क है आपका एक एम्प्लॉय, आपका सेकंड एम्प्लॉय मैनेजर है, आपका थर्ड एम्प्लॉय एनालिस्ट है, आपका फोर्थ एम्प्लॉय क्लर्क है और आपका फिफ्थ एम्प्लॉय जो है वो एनालिस्ट है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 3 जॉब कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, तो आप उसे फर्दर ग्रुपिंग कर सकते हो। सिमिलरली जो डिपार्टमेंट नंबर 30 है उसके एम्प्लॉयज़ फर्स्ट एम्प्लॉय सेल्समैन है, सेकेंड भी सेल्समैन है, थर्ड भी सेल्समैन है, फोर्थ मैनेजर है, फिफ्थ सेल्समैन है और सिक्स जो है क्लर्क है। यहाँ भी आपके पास 3 डिवीजन है, मैनेजर सेल्समैन और क्लर्क। जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से एक आपका मैनेजर है, एक आपका प्रेसिडेंट है और एक जो है वो आपका क्लर्क है। तो यहाँ भी आपके पास जो है वो 3 डिवीजन्स हैं। तो इस तरीके से आप डिपार्टमेंट नंबर के अंदर भी जो है जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्वेरीज कैसे देंगे? टू ग्रुप रिकॉर्ड्स जॉब वाइज विद इन डिपार्टमेंट नंबर वाइज यू नीड टू इशू अ क्वेरी स्टेटमेंट लाइक दिस। अगर आप डिपार्टमेंट नंबर के अंदर जो है वो जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सब ऑब्वियसली हम सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इट्स कमेंडेबल और इट्स सजेस्टेबल वी कैन से कि पहले आप वही कॉलम डिस्प्ले करवाएं जिसके बेसिस पे आप पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि हम पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं इसलिए हमने पहले डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवाया, फिर हमने जॉब डिस्प्ले करवाई और उसके बाद जो है हमने उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाया, तो हम वो हमने काउंट फंक्शन की हेल्प से करवाया फ्रॉम टेबल EMPL एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब। ये मैंने अभी अभी आपको डिटेल में समझाया था कि जिसके बेसिस पे हमें पहले ग्रुपिंग करनी है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। सेलेक्ट लिस्ट में आप किस ऑर्डर में देते हैं ये आपकी चॉइस है, ये सिर्फ सजेस्ट किया जाता है कि ये प्रेफरेबल तरीका है कि पहले आप वो कॉलम दें जिसके बेसिस पे आपकी पहले ग्रुपिंग हो रही है, अदरवाइज इट्स टोटली योर चॉइस। बट ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर अगर आप इस ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो आपका आउटपुट जो है वो पूरी तरह से ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब जब हमने किया तो पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई, 3 ग्रुप्स में आपकी डिवीज़न हुई, डिपार्टमेंट नंबर 10,
डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड डिपार्टमेंट नंबर 30। फर्दर डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर तीन कैटेगरीज थी, क्लर्क, मैनेजर और प्रेसिडेंट। डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर तीन कैटेगरीज थी, एनालिस्ट, क्लर्क और मैनेजर। डिपार्टमेंट 30 के अंदर भी जो है आपकी तीन कैटेगरीज थी, क्लर्क, मैनेजर और सेल्समैन। ये मैंने अभी अभी आपको चेक करवाया था। आप चाहें तो यहाँ पे इस टेबल पे वीडियो को पॉज करके एक बार जो है आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हैं। हर एंट्री के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट नंबर 10 में सिर्फ एक ही क्लर्क था, डिपार्टमेंट नंबर 10 में मैनेजर भी एक है और प्रेसिडेंट भी एक, क्योंकि टोटल ही डिपार्टमेंट नंबर 10 में तीन एम्प्लॉयज थे, तीनों की जॉब जो है अलग अलग है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में आपको पता है 5 एम्प्लॉयज थे, उन 5 में से दो एनालिस्ट हैं, दो क्लर्क हैं और एक मैनेजर है। डिपार्टमेंट नंबर 30 में आपके टोटल जो है 6 एम्प्लॉयज थे, उसमें से एक क्लर्क है, एक मैनेजर और चार जो हैं वो सेल्समैन हैं। तो इस तरीके से जो है हम नेस्टेड ग्रुपिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि नेस्टेड ग्रुपिंग क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। बट अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर कर सकूं। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं समझ आ रहा तो मैं उसे दोबारा विद मोर प्रैक्टिकल्स एंड एग्जाम्पल्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। अब हम यहाँ पे एक बार जो नेस्टेड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है वो करके देख लेते हैं। पहले उसके लिए हम हमारा माई एस क्यू एल जो है वो लॉग इन करेंगे। तो हम माई एस क्यू एल के कमांड लाइन पे वर्क करते हैं। पहले हम यहाँ पासवर्ड एंटर कर लेंगे अपना। अब हमारा MySQL ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पहले अपना डाटाबेस ओपन करेंगे, जिस डाटाबेस पे हमें वर्क करना है। हम सैम्पल डाटाबेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम कमांड देंगे यूज सैम्पल, इससे हमारा डाटाबेस ओपन हो जाएगा। अब इस डाटाबेस में हम एम्प्लॉय टेबल पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक बार एम्प्लॉय टेबल का जो है वो सारा डाटा चेक करवा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है। अब हमारे पास इस टेबल में ज़्यादा रोज नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको यहाँ नेस्टेड ग्रुपिंग करके दिखा देती हूँ। हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो है वो तीन रोज हैं, और ग्रेड उसमें कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 में E5, E2 एंड E4 तीनों जो हैं अलग अलग हैं। डिपार्टमेंट नंबर 30 में हमारे पास दो रोज हैं और दोनों का ग्रेड जो है अलग अलग है, E3 एंड E2। डिपार्टमेंट नंबर 20 में हमारे पास सिंगल रोज है। तो हम डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे और उसके आगे फर्दर हम उसमें ग्रेड के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे, ताकि हम नेस्टेड ग्रुपिंग को जो है वो समझ सकें। तो सेलेक्ट हम किस किस बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, पहले हम डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद हम ग्रेड के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने ग्रेड को डिस्प्ले करवाया, और फिर उसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं वो हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा ग्रेड, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए, पहले आपकी डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई। डिपार्टमेंट नंबर 10 में आपके टू रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर 10 में आपके थ्री रिकॉर्ड्स थे, 30 के टू और 20 का सिंगल रिकॉर्ड्स। और उसके बाद क्योंकि आपने ग्रेड के बेसिस पे ग्रुपिंग की, तो ग्रेड में जो है वो ऑब्वियसली आपका जो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड्स थे वो सब अलग अलग ग्रेड के थे, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। हर ग्रुप के अंदर जो है वो अलग अलग ग्रुप्स आपके बन गए। अब हम अगर इसको ऑपोजिट कर देते हैं, सेलेक्ट ग्रेड कॉमा डिपार्टमेंट नंबर काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड कोमा डिपार्टमेंट नंबर।
अब हमने हमारे कॉलम्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अब हमारा क्या आउटपुट आएगा? पहले जो हमारी टेबल है वो ग्रेड के बेसिस पे डिवाइड होगी। ग्रेड में हमारे पास टोटल कितनी एंट्रीज हैं, यहाँ पे E5 का एक ही रिकॉर्ड है, E2 के हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, E3 का एक रिकॉर्ड है और E4 का एक रिकॉर्ड है, तो टोटल हमारे पास 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। E5, E3 और E4 में सिंगल सिंगल एंट्रीज हैं और E2 में हमारे पास 3 एंट्रीज हैं। अब उसके बाद हम डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो E5, E3 और E4 में तो रिकॉर्ड ही एक एक है, तो वो उसमें आगे डिवीज़न हो ही नहीं सकती। हमारा जो E2 है उसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, E2 के जो रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट नंबर है उसका एक एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, एक एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 30 में है और एक एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 20 में है। तो जो ग्रुप E2 है वो आगे फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे भी जो है वो हमारे 6 अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो हमारी टेबल में एक्चुअली डाटा अभी ऐसा है नहीं कि जिसके बेसिस पे हम नेस्टेड ग्रुपिंग जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकें, बट यहाँ पे जो ये EMPL टेबल है उसके बेसिस पे आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं ड्राई रन करके। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इस टेबल को क्रिएट करके आपको प्रैक्टिकली जो है वो ये चीज़ करके दिखा दूंगी कि जो क्वेरीज हैं वो कैसे रन कर रही हैं और उनके बेसिस पे आउटपुट जो है वो कैसे वेरी कर रहे हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई हो, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। हम आपका क्लास 12th का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो डिटेल में कवर कर रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो, उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो बताइए और अगर आपको वीडियो समझ आई है या अच्छी लगी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।